हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, एज यू नो वी हैव स्टार्टेड आरंभ द बिगनिंग सीरीज फॉर 67 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे यूनिट के बारे में, अर्थात मात्रक के बारे में। यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हर एक एग्जाम में जो है 2 से 3 प्रश्न जो है यूनिट से पूछा जाता है। यदि 66वीं, 65वीं और 64वीं बीपीएससी के एग्जाम का आप रिव्यू करोगे क्वेश्चन पेपर का, तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ खुद ब खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि बच्चे जो है यूनिट्स को याद करने की, रटने की कोशिश करते हैं। तो मेरा उद्देश्य जो है आपको रटाना नहीं है, आपको समझाना है ताकि आप एक बार चीज़ों को समझ के याद कर लो तो आजीवन याद रहे। एग्जाम तो बस एक छोटा सा चीज है, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये आज का वीडियो मैंने बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, देखिए यूनिट क्या होता है। मान लीजिए यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इसको डिनोट करने के लिए, और मान लीजिए इसको आपको मैं कह रहा हूँ ए और बी के बीच का जो है डिस्टेंस मेजर करना है, लंबाई मेजर करना है, और एक यहाँ पे ब्लॉक्स है, मान लीजिए वुडन ब्लॉक्स है, इसका वेट आपको फाइंड आउट करना है कि इसका जो है भार कितना है। तो मान लीजिए इसका 16 आ गया इसके बीच की दूरी, और इसका 15 आ गया इसका वेट। तो हम किससे डिनोट करेंगे कि हमें पता चलेगा यदि दोनों संख्याएं साथ में हो 16 और 15 कि कौन इसमें से भार है और कौन इसमें से जो है आपका डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसी को डिनोट करने के लिए एक ऐसा नंबर और एक ऐसा सिंबल यूज किया जाता है जिसे हम मात्रक बोलते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेबल हो तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, अर्थात SI मात्रक बोलते हैं, ठीक है। तो आपने इन स्टैंडर्ड वर्ड यू कैन से डैट अ फिक्स अमाउंट और नंबर यूज एट अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। हिंदी में कहें कि माप के मानक के रूप में जो है प्रयुक्त एक निश्चित मात्रा या संख्या जो है मात्रक कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि देखिए क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती हैं, एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होती हैं और इन्हीं को आपस में मिला के जो है बहुत सारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी अर्थात व्युत्पन्न भौतिक राशियां बनाई जाती हैं। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनका यूनिट लिखा जाता है, तो उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट अर्थात मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न फिजिकल क्वांटिटी होती है उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, मतलब उनका मात्रक लिखते हैं, अर्थात डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो पहले हम फंडामेंटल यूनिट समझ लेते हैं बिना इसको समझे, और इसका यूटिलाइजेशन किए आप डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स नहीं लिख सकते हो, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने प्रीवियसली भी पढ़ रखा होगा लेकिन यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, तो एक बार इसे रिवाइज कर लो, उसके बाद आते हैं हम मेन मुद्दे पे। भौतिक राशि जो फंडामेंटल होती हैं लंबाई, द्रव्यमान, ताप, सॉरी समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। यहाँ पे द्रव्यमान का मतलब मास है न कि वेट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेट एक डेराइव्ड है बल्कि मास जो है ये फंडामेंटल यूनिट है अर्थात मूल भौतिक राशि है। अब इसका SI मात्रक जो मूल मात्रक होता है, लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को जो है एम्पियर में मापते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ का परिमाण जो है मोल में मापा जाता है। इसको संकेत ऐसे देते हैं, देखिए जो भी हम इंग्लिश में लिखते हैं जैसे मीटर को METRE लिखते हैं, तो इसका जो पहला लेटर होता है उसी को स्मॉल रूप में लिख देते हैं। तो m से जनरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी जब सिंबल लिखा जाता है ना तो उसे है स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है, कुछ अपवादों को छोड़ के। जैसे मीटर का m और के किलोग्राम का kg, सेकंड का s, केल्विन का कैपिटल k, एम्पियर का कैपिटल a, कैंडेला का cd और मोल का MOL, ठीक है। ये सिंबल हो गया, आप इसे ध्यान रखना, इसी का यूज करके जो है जो भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम SI यूनिट लिखने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, ये कुछ संपूरक भौतिक राशियां होती हैं, जैसे समतल कोण इसका होता है रेडियन और घन कोण इसका होता है स्टेरेडियन, याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की भी संभावना है,
ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे। जब डेराइव्ड यूनिट्स लिखना होता है तो जैसे जो 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है उनका यूनिट तो सबको याद हो जाता है, लेकिन डेराइव्ड यूनिट की बात आती है तो लोग रटने की कोशिश करते हैं और भूल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि कोई भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो तो आप उसको पहले उसका फॉर्मूला याद रखो, अर्थात उसका परिभाषा याद रखो। परिभाषा याद रहेगी तो अंततोगत्वा आपको आराम से जो है यूनिट आप लिख सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ा तीर वाली बात नहीं है। जैसे डिस्टेंस का परिभाषा क्या होता है, तो दिए गए समयांतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई। जैसे ऊपर हमने एग्जांपल लिया था, मान लीजिए ए और बी, ए से बी जाने में आपको कुछ समय लगेगा और इसी समय अंतराल में जो है ये तय की गई जो मार्ग की लंबाई होती है ना, इसी को इसी को बोलते हैं हम डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, लेंथ, डिस्टेंस यहाँ पे आ गया। डिस्टेंस को किस में मापते हैं, डिस्टेंस लंबाई है ना, तो लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। आप चीज़ें समझ लिया, ठीक है। अब आती है बात विस्थापन की, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो है विस्थापन है। तो मान लीजिए ए और बी यहाँ पे दो बिंदु है, इसको पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, एक ये हो सकता है, एक ऐसे आ सकते हैं, एक ऐसे आ सकते हैं। तो ये वाला तो है, ये डिस्टेंस का आ जाएगा, लेकिन ये जो न्यूनतम दूरी होती है ना, विस्थापन हमेशा दो बिंदुओं के बीच का जो है लंबवत डिस्टेंस होता है, अर्थात इसी को बोलते हैं न्यूनतम दूरी और इसी को बोलते हैं हम डिस्टेंस। अब चूंकि दूरी ये लंबाई है, लेंथ है, तो इसको भी हम किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया दूरी और विस्थापन मीटर में मापा जाता है। अब बात आती है स्पीड की, तो स्पीड का जो परिभाषा होता है क्या होता है, प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, अर्थात चाल बोलते हैं। तो चाल को ऐसे लिख सकते हैं दूरी बट्टा समय, इसको मीटर बटा, दूरी को लेंथ है चूंकि तो इसे मीटर में मापते हैं और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो इसको मीटर बट्टा सेकंड या मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी मीटर प्रति सेकंड लिखा जाता है। अब यहाँ पे कैसे है, जैसे m बटा s है तो इसको हम m s पर पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। जैसे हमने देखा है ना, बेसिक जो हम अर्थमेटिक पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो 1 बटा a पर पावर 2 लिखा हुआ हो तो इसे a बराबर हो जाएगा a टू द पावर माइनस 2 के, ठीक है। इसी तरीके का ये फॉर्मूला है। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे डायमेंशन की बात आती है, जैसे बीमा, किसी भी भौतिक राशि की बीमा कैसे लिखते हैं, इसको समझ लेते हैं। अभी तो क्वेश्चन तो अराइज नहीं हुआ है, एक का दुक्का अराइज हुआ होगा कभी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाय चांस यदि पूछ दे तो, ठीक है। देखिए, बीमा लिखने के लिए आपको तीन चीज़ें जो है कन्फर्म होनी चाहिए। बीमा में हमेशा यूज होता है मास कैपिटल एम, लेंथ कैपिटल एल और टी, ठीक है। जो राशि जो है किसी भी भौतिक राशि में जितना अवेलेबल होती है, ये चूंकि ये व्युत्पन्न भौतिक राशियों का ही लिखा जाता है, तो मान लीजिए इसमें मास जो है अवेलेबल नहीं है तो इस पे जीरो लगा देंगे, लेंथ अवेलेबल है एक बार आ रहा है तो इसे एक पावर एक दे देंगे, टाइम दो बार आ रहा है तो पावर दो दे देंगे। जितना बार किसी फिजिकल क्वांटिटी में इन तीनों मात्राओं का जो है रिपीटेशन होगा उतना पावर हम लगाते जाएंगे। अब आते हैं इसका यूज करते हैं चाल पे, तो चाल का होता है दूरी बट्टा समय, तो दूरी क्या हो गया, लेंथ हो गया, और समय क्या हो गया, टी हो गया, तो हमें मिल गया एल बट्टा टी, इसमें मास नहीं है तो इसको एल बट्टा टी को पहले हम एल टी टू पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, ऐसा ही मीटर प्रति सेकंड के। और चूंकि इसमें क्या नहीं है, मास नहीं है, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं मास पर पावर 0, एल 1 है तो एल पर पावर 1, टी पर पावर माइनस 1, तो ये हो गया इसका बीमा, ऐसे ही लिखते हैं, काफी आसान है, ठीक है माय डियर फ्रेंड। अब देखिए, वेग की वेलोसिटी क्या होती है, निश्चित दिशा में प्रति सेकंड तय की गई दूरी जो होती है वो वेलोसिटी होती है। ये स्पीड ही होता है, लेकिन इसमें जो है डिस्टेंस दिशा शामिल हो जाती है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड या मीटर एस पर पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, जो कि आपका चाल का सेम टू सेम हो जाएगा। वहीं बात करते हैं यदि त्वरण की, तो वेग परिवर्तन का दर क्या है, त्वरण है, इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से जो है डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं बात करते हैं बल की, तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, जिसे हम न्यूटन भी, इसका एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है, इसे न्यूटन से भी डिनोट करते हैं, तो इसको कह सकते हैं बल, मास और एक्सेलरेशन। बल पुश या पुल है, जो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान में जब हम धक्का देते हैं तो उसमें विस्थापन हो जाता है या नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, जब विस्थापन होता है तो वो कार्य में परिवर्तित होता है। अब इसका जो है एसआई बेसिक यूनिट लिखने के लिए एफ बराबर क्या लिखा हुआ है, एम ए,
तो एम का क्या होता है, एम का केजी होता है ना, मतलब मास जो है इसको केजी में मापते हैं, और एक्सलरेशन का आपने देखा होगा ऊपर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो हम ऐसे इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये एफ बराबर इसका एसआई बेसिक यूनिट ये होगा, इसे न्यूटन भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, कई बार प्रश्न जो है यहां से अराइज हो चुका है। वहीं भार का बात, जब भार की बात आती है तो सेम टू सेम ये फोर्स के बराबर ही होता है। जो भार आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है पृथ्वी का, जिसे किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी जो है अपने तरफ खींचती है, इसका भी सेम होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बात आ जाती है कार्य की। कार्य जब देखिए, जब बल में, बल लगाने से किसी भी वस्तु में विस्थापन हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कार्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है W बराबर Fs। अब इसका जो है SI यूनिट लिख लेते हैं। वर्क बराबर कितना हो गया Fs। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे D से भी डिनोट कर सकते हैं, आसानी होगी, यहाँ पे D से भी डिनोट कर दीजिए। और F क्या है, फोर्स है। तो F का क्या होता है, F का फॉर्मूला होता है MA मास गुने एक्सेलरेशन। और डिस्टेंस को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कैपिटल एम हो जाएगा, एम में। तो एम का क्या होता है, केजी होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और एम एक और है यहाँ पे, तो एम एम चूंकि गुणा होता है, सेम पावर, जब सेम बेस हो और पावर डिफरेंट हो तो आपस में जुड़ जाते हैं ना पावर, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पर एक है, तो ये जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अर्थात सेकंड पर पावर -2। तो ऐसे लिख सकते हैं, आप देख रहे हो ना, एक बार जब आपने समझ लिया तो कितना आसान हो जाता है चीजों को लिखना। वहीं बात आती है शक्ति की, पावर की। तो कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, अर्थात कार्य बटा समय। इसे कार्य का मात्रक, इसे जूल भी बोलते हैं, हमने अभी देखा था कार्य का एसआई मात्रक जूल भी होता है, इसी को जूल बोला जाता है। ठीक है, तो जूल बटा सेकंड जो होता है उसी को हम वाट बोलते हैं। इसका बेसिक एसआई यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर एस पर पावर -3। अब हमने देखिए जूल को कैसे लिखते हैं, ये है ना हमारा जूल का, ये हो गया आपका केजी मीटर स्क्वायर एस पर पावर -2। अब बटा सेकंड पर क्या होता है, सेकंड ये समय है ना, तो इसको सेकंड से डिनोट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर एस पर पावर -2, और ये ऐसे लिख सकते हैं एस पर पावर -1। तो डेट विल बी इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर और एस पर पावर आपका -2 और -1 जुड़ जाएगा, -3 हो जाएगा। ये है, इसको ऐसे बोलते हैं। तो कार्य का मात्रक, इसे वाट भी बोलते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एसआई बेसिक यूनिट हो गया और इसका नाम जो है वाट बोलते हैं। वहीं यदि बल की, कार्य की बात करें, सॉरी, तो कार्य का मात्रक ये हो गया, जूल हो गया। ठीक है, लेकिन शक्ति का ये हो गया, मैंने उल्टा बोल दिया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये यहीं पे फॉर्मूला लिखा हुआ है जो मैंने ऊपर बता दिया। अब बात आती है प्रेशर की। एक और एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहूंगा। प्रेशर या स्ट्रेस का जो है, अर्थात प्रतिबल का, सेमी होता है प्रति क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल को जो है दाब बोलते हैं। इन दोनों का एसआई यूनिट जो है सेम होता है। स्ट्रेन का एसआई यूनिट नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक बार पूछा जा चुका है, तो पिछले बार ही शायद 65वीं में पूछा गया था या 66वीं में, आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स प्रति एरिया, प्रति इकाई एरिया पे जो लगने वाला फोर्स है उसे बोलते हैं हम बल, सॉरी दाब। तो फोर्स का कितना होता है एम ए, और एरिया को मीटर स्क्वायर में मापते हैं, तो इसे एम ए के जी हो गया, और एक्सेलरेशन का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब इसको तोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि हम बल को हम न्यूटन में भी मापते हैं, तो ऐसे इसको हमने लिख दिया। ये बेसिक एसआई यूनिट हो गया, और इसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, दाब का मात्रक, 65वीं में शायद पूछा था। ठीक है, तो ये हमने जो बेसिक चीजें होती हैं, यदि यहां तक आपने समझ लिया होगा, वीडियो को पॉज कर करके समझ लेना, तो आपको जो है चीजें समझ में आ जाएंगी आराम से। और उसके बाद जो है नीचे ये बहुत सारे दिए हुए हैं, 46 कम से कम हैं, आप इसे एक बार देख लेना, याद कर लेना, ताकि जो है एग्जाम में इसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे तो आप आराम से इसे सोल्व कर सको। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।